अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा व्यूवर्स, आज हमारे पास जो है ना सैलून का गेयर आया हुआ है। ये सैलून कोरोला में आता है ये गेयर, 5A इंजन के साथ ये गेयर आता है, पेट्रोली 5A इंजन के साथ। तो इसमें ये गाड़ी ना आगे चल रही है ना पीछे चल रही है, नो मूव हो गई है। तो हम इसको खोल के दिखाते हैं इसमें क्या मसला है। ये 2D में भी ये गेयर आता है, दूसरा जो ये इंडस कोरोला में ये गियर आता है, 98 सैलून में ये गियर आता है। तो इसको खोल के आपको दिखाते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों अभी हम ये बोल्ट खोलने लगे हैं, पहले हम ये होजिंग खोलेंगे, फिर उसके बाद ऑयल पम्प उठाएंगे ऊपर। इस गियर में मसला ये है कि ना ये आगे चल रही है ना ये पीछे। तो अभी हमने खोल के देखना है कि इसमें फॉल्ट क्या है। ये हाउसिंग ऊपर आ गया इसका, ये इसका डिफरेंशियल, इसको भी हटाएंगे हम। ये ऑयल पम्प उठा देते हैं। ये इसका ऑयल पम्प है ये पूरा, इसको जरा हम खोल के चेक करते हैं इसमें कोई मसला तो नहीं है। ये ऑयल पंप के 10 के बोल्ट हैं। हेलो, रजे नंबर किस में से? रजे नंबर को तो ये हमने ऑयल पंप इसका खोला है। अच्छा किया ये हमने ऑयल पंप खोल के, फॉल्ट हमें इधर ही मिल गया। अच्छा इसका मैं फॉल्ट बता देता हूँ। ये देखिए इसका फेस बिल्कुल खा गया है, ये खा के बिल्कुल डाउन हो चुका है। अगर आप भाइयों को यह नजर आ रहा हो, ये देख रहे बिल्कुल ये कट गया है पूरा कट के जो है ना, ये यहाँ से जो है ना ऑयल प्रेशर नहीं बना रहा था। अच्छा नो मूव का, ना आगे चलना ना पीछे चलना का वजह भी यही है कि जब ऑयल पंप काम करेगा, ऑयल सर्कुलेट होगा तो जाके जो है ना गेयर आगे चलेगा पीछे चलेगा, ठीक हो गया। अभी बिल्कुल ये कट के इसका हालत ख़राब हो गया है, तो यहाँ पे ये प्रेशर ही नहीं बनाएगा। तो मेन जो हमारा फॉल्ट है ये नहीं चलने का जो सबब है वो यही चीज़ है। देखिए ये कट गया बिल्कुल, दारी हो गया नीचे ना। तो ये एक वजह ये आ गया। अब इसका मैं रोटर भी चेक करा देता हूँ। अब ये देखिए रोटर खा के बुरा हाल हो गया, ये देखिए बिल्कुल ये इसके साथ यूं चल के जो है ना चिपक गया बिल्कुल, ये खाया हुआ है, ये एक फॉल्ट हमारा गया। और बाहर वाला रोटर भी मैं चेक करा देता हूँ, बाहर का रोटर भी खाया हुआ है, देखे ना। ये बिल्कुल दारी हो गया, दारी दारियां दारियां आ गया इसके ऊपर ना, नहीं तो ये होता क्या है, बिल्कुल साफ सुथरा। ये देखो कट भी आ गया इसके ऊपर, ये बिल्कुल पॉलिश होता है, साफ सुथरा पॉलिश। तो इसमें चाल आएगा तो प्रेशर नहीं बनेगा। ये देखे बिल्कुल इधर भी ये जगह भी कट गया है, ये देखे बिल्कुल कट गया है, ये इस वजह से ये प्रेशर नहीं बना रहा था, तो गाड़ी ने कहा कैसे चलना था। ये हमें एक फॉल्ट मिल गया इसका, बहरहाल नीचे जब खोला है तो गैर मुकम्मल नीचे एक तसली करते हैं इसमें क्यों ऐसा हुआ है। ये अब
अभी इसका रिवर्स का ड्रम है, ये ड्राइव किट है, ये भी उठा के जो ना मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसका ब्रेक बैंड है रिवर्स के लिए ना, तो इस लॉक को हमें खोल के अंदर से ये पिस्टन निकालना पड़ेगा। ये इसका लॉक है, ये इसका पिस्टन है। अब ये हमारा ब्रेक जो बैंड जो है ना वो फारिग हो गया, फ्री हो गया है, अभी हम इसको आराम से उठा सकते हैं। तो ये अभी एक एक चीज़ करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये ड्राइव बक्सा है इसका, ये ड्राइव बक्सा है, ये देखो बिल्कुल साफ सुथरा नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको एहतियात हम खोल के चेक करते हैं, इसमें कोई मसला तो नहीं है। ये क्लच, ये प्रेशर प्लेट है, बिल्कुल साफ है, ये क्लच प्लेट भी बिल्कुल साफ है, ये प्रेशर प्लेट भी साफ है, ये क्लच प्लेट भी साफ है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये क्लच प्लेट साफ है, प्रेशर प्लेट सॉरी, ये क्लच प्लेट भी साफ सुथरा है। अभी हम इसको दोबारा फिट करते हैं। अच्छा, ये ड्राइव का बुक्स हमारे ठीक है, रिवर्स वाला चेक करें, ये रिवर्स चेक कर रहे हैं हम। ये देखिए क्लच प्लेट बिल्कुल साफ सुथरे हैं, रिवर्स के भी ठीक है, ड्राइव के भी ठीक है। तो जो हमारा जो मेन फॉल्ट है वो इसमें आपने देखा ऑयल पम्प जो है ना उसने काम छोड़ के तो ऊपर ऑयल का सप्लाई नहीं दे रहा था, इस वजह से जो है ना ये काम नहीं कर रहा था। ये इधर सा जो टी सी बी सी के अंदर है, तो मज़ीद हम इसको नीचे नहीं खोलते हैं क्योंकि हमें यह फॉल्ट मिल चुका है, क्योंकि ऑयल पम्प का मसला था तो यह ऑयल सप्लाई नहीं दे रहा था। बाकी हम इसको इसी तरह दोबारा पैक करते हैं, तो इसको हम साफ सुथरा करते हैं, इसी को दोबारा फिट करते हैं, क्योंकि फॉल्ट 100% हमारा वही ऑयल पम्प है, तो हम सिर्फ ऑयल पम्प ही चेंज करेंगे। ये यहाँ पर जो रिंग है ये बहुत अहम है, इसको आपने लाजमी बिठाना है। किट कंप्लीट है तो हम इसी को लगाएंगे, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये बैठ गया, अभी हम इसके ऊपर ये रिवर्स वाला किट बिठाएंगे ड्रम। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा था ना ये पंप, ये तो ख़राब हो गया, अभी दूसरा मैं पंप मैंने लाया, इसको भी खोला ताकि तसली करें इसमें क्या सीन है। अब ये जगह देखो बिल्कुल साफ सुथरा शीशे की तरह ठीक हो गया, अब इसमें देखो बिल्कुल खड़े बने हैं ये जो,
खिचड़ी में लाया था। अच्छा तो हम ये हाउसिंग बिठाने लगे हैं तो पीछे ये गवर्नर है जी, गवर्नर इस गेयर का। चले जी, ये गियर हमारा तैयार हो गया। अभी इंशाल्लाह इसको ऊपर ले जाते हैं वर्कशॉप, फिर फिटिंग करते हैं। इंशाल्लाह ये गाड़ी अच्छी चल जाएगी, मुझे उम्मीद है। तो वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं किसी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई गियर के वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।